लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर जो आप मंत्र दे रहे हैं यह मंत्र वाकई में ही काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको अभी दो मंत्र देने वाला हूं, जो कि एक हनुमान जी का मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, या बच्चा है बॉस के पास जा रहा है, टीचर के पास जा रहा है, या किसी के पास भी वो खड़ा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बहुत ज़्यादा वीक है, वह अपनी बातों को अपने से बड़ों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बच्चा है क्लास टीचर के सामने अपनी बातों को नहीं बोल पा रहा है, प्रिंसिपल के सामने अपनी बातों को नहीं बोल पा रहा है, या कोई एक अननोन व्यक्ति आ जाता है तो उसके सामने अपनी बातों को वह नहीं बोल पा रहा है, या फिर उसी जगह पे अगर कोई एम्प्लॉई है अपने बॉस से कुछ बोलना चाहता है बट कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बोलना सही चाह रहा है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि मैं ये जो बोलूँगा ये बिल्कुल सच है और सही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर में। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस की कमी होना, अपनी बातों को सामने वाले के सामने नहीं रख पाना और अंदर ही दब के रह जाना, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होते हैं, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है, वो कॉन्फिडेंस की उनको बहुत ज़्यादा कमी होती है। रिलेशनशिप में भी वो खुल के चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो वो नहीं बोल सकते हैं। अगर वह व्यापारी है तो अपने कस्टमर के साथ वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें क्लोज नहीं कर सकते हैं, मतलब डील को ओके नहीं करवा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस की जहाँ बात आती है, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इस मंत्र का आपने जप करवाना है। और उनके साउथ में अगर ऑफिस है तो उनको बोलेंगे कि आप साउथ में भगवान हनुमान जी की फोटो लगाएंगे, या तो पंचमुखी हनुमान हो या तो हाथ में संजीवनी बूटी लिए हुए हनुमान जी हो, मतलब जैसे उन्होंने पहाड़ उठा रखा है, एक हाथ में गदा है और वो उड़ रहे हैं, ये वाला कॉन्फिडेंस है उनके पास बहुत ज़्यादा कि उन्होंने पहाड़ को उठा लिया, तो हनुमान जी की छोटी सी फोटो लगवानी है। साइज कोई भी होगा, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। तो साउथ की वॉल पे आपने हनुमान जी की फोटो लगवानी है, उसके बाद उनके घर पे हो चाहे शॉप में हो, हनुमान जी की फोटो लगाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं यह मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का उन्होंने कम से कम 108 बार जप करना है। अब 108 बार ही जप क्यों करें वो भी मैं बताऊंगा, प्लस मंत्र जप से क्या फायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा। मंत्र क्या है आप लोग सुन लें या लिख लें, ओम हनु 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 हनुमंते नमः, ठीक है, फिर से सुन लें, ओम हनु 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 हनुमंते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। दूसरा, साउथ के डायरेक्शन पे, साउथ की वॉल पे उन्हें हनुमान जी की फोटो लगानी है, या तो पंचमुखी हनुमान हो या तो पहाड़ हाथ में लिए हुए हनुमान जी की फोटो साउथ में लगवानी है आपके क्लाइंट के घर पे, नहीं तो उनके शॉप में, उनकी ऑफिस में। कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाएगा। अब हनुमान जी जो है उनके पास फुल्ली कॉन्फिडेंस थे, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो समुद्र पार करके लंका चले गए। अब उनके बारे में बखान करूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट हनुमान जी जो हैं वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं, हमारे जो देवते देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भगवान में, उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो किसी भी काम को करने में सक्षम थे। बचपन में तो उन्होंने सूर्य भगवान को भी निगल दिया, तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो ऐसी फ़ोटो अगर हम अपने साउथ में आप क्लाइंट के लगवाते हैं, और ओम हनु 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 हनुमंते नमः का वह मंत्र जप करते हैं, तो भगवान हनुमान जी की उन पर असीम कृपा आती है और उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है। कई लोग बोलेंगे कि सर इन उपाय से फ़ायदा क्या होगा, मंत्र जप से फ़ायदा क्या होता है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 360 डिग्री पे रोटेट होती है। जैसे वास्तु में मैंने आपको बताया 360 डिग्री पे पूरा रोटेशन चलता है। तो 369 अगर हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 369। तो ये 369 जो एक साइकिल है द पावर ऑफ कर्मास का, जिसको मैंने आप लोगों को कल मैंने बताया द लॉ ऑफ कर्मा, द पावर ऑफ कर्मा। तो द लॉ ऑफ कर्मा, द पावर ऑफ कर्मा क्या है? कभी भी आप गौर करना कि अगर किसी क्लाइंट के जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है तो 11 से 13 महीने के अंदर में वह प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होती है। अगर उसे किसी ने हर्ट किया है तो 11 से 13 महीने के अंदर में वह फिर से हर्ट होगा। अगर उसे नुकसान लगा है तो 11 से 13 महीने के अंदर में फिर से उसे नुकसान लगेगा। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है या वह बीमार पड़ रहा है तो 11 से 13 महीने के अंदर में वह फिर से द लॉ ऑफ कर्मा जो है वो रिटर्न आता है 360 डिग्री पे। जो हमारी यूनिवर्स चल रही है, जिसे हम 360 डिग्री पे चलती है, तो वो घूम करके पहिया वहीं पर आता है। इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ कर्मा। अब मंत्र जब से फायदा क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने तो 1.25 लाख मंत्र जप किया, 50,000 मंत्र जप कर लिए, उसके हमें फायदा नहीं मिला। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंत्र जप जो है वो करना कैसे होता है। हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया है कि मंत्र जप जो है दोनों कान बंद करके और दोनों आँखों को बंद करके किया जाए तो उस मंत्र का जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के जो गुरु हुए, जो सिद्ध गुरु हुए, आज से 400 साल 500 साल पहले जो गुरु हुए, वह एकांत में जा कर के तपस्या करते थे, मंत्र जप करते थे, पहाड़ियों के ऊपर में जाके मंत्र जप करते थे या जंगलों में जाकर के मंत्र जप करते थे। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होता था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर का शोर होता था, हवाएं आती थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती थी। बट आज हम शहर में रह रहे हैं, चाहे हम गांव में रहें, कहीं भी रहें, तो आस पास में लोग बात कर रहे हैं, टीवी का साउंड चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है या कुछ भी, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो ओवरऑल शांति है क्या? नहीं। कान जब आप बंद कर लेते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और जब आप मंत्र जप करते हैं तो वही गूंज आपके अंदर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो गूंज है वह बजती रहती है, अगेन एंड अगेन होती है, और यूनिवर्स के साथ एक रिदम बिठाती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर रेडियो की फ्रिक्वेंसी इधर से उधर हो जाए तो गाना अच्छा नहीं बजेगा। अगर फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है तो वह एफएम का गाना कैसे बजेगा? बहुत अच्छे से बजेगा। तो सेम चीज़ है। तो जब आप दोनों कान को बंद कर लेते हैं, दोनों आँखों को बंद करके मंत्र जप करते हैं, तो आपकी एक फ्रिक्वेंसी बनती है। जैसे द लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैंने बताया था, द लॉ ऑफ रिदम बताया था, कि आपकी एक रिदम बन जाती है, और आप उस रिदम पे जब चलते हैं, जब आप उस रिदम के हिसाब से काम करते हैं, तो वह वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स से आपके पास वो चीज़ों को वापस लाती है। अब ये कैसे होता है, यूनिवर्स के साथ चीज़ें वापस आती हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। होता क्या है कि आपने दुनिया में कोई भी काम आप कर लो, सारा का सारा रिकॉर्ड रहता है यूनिवर्स के पास। आज हम बैठ करके यहाँ पर वर्कशॉप कर रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ पर? यूनिवर्स में। 500 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ, वो सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो यूनिवर्स में है। इसे कैसे, तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझ लें। कैसे? आप लोग गूगल यूज़ करते होंगे। आज से मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने आपको जीमेल में मेल किया, आपने उस मेल को अगर डिलीट नहीं किए हैं तो जैसे ही आप वो 10 साल पहले का मेल उस व्यक्ति के नाम से टाइप करेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना। सेम चीज़ है कि जो डेटा आपने अपने मोबाइल में, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन कहूँगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने सिस्टम में डाल रखी है, उसे आप 10 साल बाद खोले, 15 साल बाद खोले, चाहे 5 साल बाद खोले, चाहे 50 साल बाद खोले, वो एज इट इज़ वैसे ही मिलेगी, वो डिलीट नहीं होगी।
क्योंकि हम जब तक उसे डिलीट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स के पास डिलीट का ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बोला हूँ NO शब्द यूनिवर्स के पास नहीं है, तो वैसे ही डिलीट का ऑप्शन यूनिवर्स के पास नहीं है। जो बीज जमीन में जाएगा वो उगेगा ही उगेगा, वैसे ही जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से मंत्र जप किया तो आपको आपके क्लाइंट को रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर उन्होंने मंत्र जप किया है और रिजल्ट्स उन्हें ना मिले। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो मैं आपको अभी पहला मंत्र मैंने बताया है, अब मैं आपको महालक्ष्मी महाकाली का पावरफुल मंत्र मैं बताने वाला हूँ। इसे भी ध्यान से सुनेंगे लिखेंगे, करना बिल्कुल वैसे ही है। मंत्र क्या है महालक्ष्मी का, ये सॉरी महाकाली का, ये आप सुन लें। ओम क्लिम 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 श्री महाकाली नमः। फिर से सुन ले, ओम क्लिम 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 महाकाली नमः। यह मंत्र का 108 बार जप करना है। अगर ऐसा है तो वही साउथ की वॉल पे महाकाली की फोटो लगानी है।